इनकलाब वंदे। दोस्तों आज खचाखच भरा हुआ है अपना ये पूरा मैदान। इतनी भारी संख्या में आज दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। कल मैं गोविंदपुरी गया था, कालकाजी में, कई घरों में गया। लगभग हर दूसरे तीसरे घर में पानी का अनाप शनाप बिल आया हुआ है। छोटे छोटे घर थे, 50-50 गज के, किसी का 2 लाख रुपए का बिल, किसी का 1 लाख रुपए का बिल, किसी का 30,000 रुपए का बिल, किसी का 50,000 रुपए का बिल। वो सामने दिखा रहे हैं, बिल दिखा रहे हैं, कई लोग लेके आए हैं, वो देखो कितने सारे लोग बिल दिखा रहे हैं। एक गरीब आदमी अगर 40-40 हजार, 1-1 लाख रुपए के बिल आएंगे तो क्या खाएगा और क्या अपने बच्चों को खिलाएगा और क्या पढ़ाएगा बच्चों को? तो जाहिर तौर पे ये सारे बिल गलत हैं। और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ कोरोना के टाइम में। बंद पड़े मकान का कितना है बहन जी? 3.25 लाख रुपए बंद पड़े मकान का बिल है। ये शुरू हुआ सिलसिला कोरोना के टाइम पे। कोरोना में चूंकि कोरोना चल रहा था, कई दिनों तक मीटर, कई महीनों तक मीटर रीडर मीटिंग लेने नहीं गए। उन्होंने दफ्तर में बैठ के कुछ भी रीडिंग भर दी, उसके बाद गलत बिल बन गया, उसमें फिर इंटरेस्ट लगने लग गया, फिर एलपीएससी लगने लग गई और अब लोगों का 2-2, 3-3 लाख रुपए का बिल बन गया। लगभग दिल्ली में 10.5-11 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके गलत बिल आए हुए हैं, 4,20,000 का। तो 21 लाख का बिल है, 21 लाख का। तो दोस्तों एक मिनट, ठीक, लगभग 11 लाख परिवारों के पानी के बिल गलत आए हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी की सरकार तो आपकी सरकार है, दिल्ली वालों की सरकार है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सरकार है। अगर उन लोगों की सरकार होती, बीजेपी वालों की सरकार होती अभी, तो ये धक्का मार के सब लोगों के पानी के कनेक्शन काट देते। लेकिन जब तक आपका बेटा जिंदा मजाल अगर किसी का पानी का कनेक्शन कट जाए तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को लगता है कि उनका पानी का बिल गलत आया है, देखो अगर आपको लगता है पानी का बिल ठीक है तो भर देना, और अगर आपको लगता है पानी का बिल गलत आया तो भरने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल है। ये बीजेपी वालों को गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं करने देंगे। अब एक जिम्मेदार सरकार की तरह 11 लाख लोगों के पानी के बिल ठीक नहीं किए जा सकते। मतलब सौरभ भारद्वाज ने कैलकुलेट करा था, 80 साल लग जाएंगे अगर 11 लाख लोगों के बिजली के बिल ठीक करे तो। तो हमने एक स्कीम बनाई, वो स्कीम आप लोगों के सामने रख देता हूं। स्कीम ये बनाई भाई, पिछले 1 साल में 2 साल में 3 साल में 5 साल में आपके कोई भी 2 बिल अगर ठीक आए हैं, ओके बिल, जो आपको लगता है आप कहते हो भाई ठीक है और जल बोर्ड को भी लगता है भाई ठीक है, वो हम 2 या 2 से ज्यादा ओके बिल ले लेंगे, उसकी एवरेज निकाल लेंगे और जो एवरेज आएगी उसको फिर जितने टाइम आपने बिल नहीं भरा उससे उसको मल्टीप्लाई करके आपका सारा बिल दोबारा बना देंगे। सही है कि नहीं है? अब अगर जब दोबारा बनाएंगे वो एवरेज अगर आपकी 20,000 लीटर पर मंथ से कम आई तो आपका सारा 5-7 साल का बिल जीरो हो जाएगा। हमारा अपना ये मानना है कि लगभग 95% दिल्ली, जिन लोगों के गलत बिल आए 95% लोगों का जीरो पानी का बिल हो जाएगा। होना भी चाहिए, हक है आपका, पॉलिसी है सरकार की भाई, पॉलिसी है भाई, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, होना भी चाहिए, गलत थोड़ी है। ये जो बिल आए हैं ये गलत आए हैं या तो ये हमने उसमें एक और क्लॉज है, मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसका 5 साल में एक भी ओके बिल नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं एक भी ओके बिल नहीं है, तो हम ये देखेंगे आप कैसी बस्ती में रहते हो, आप पुनर्वास बस्ती में रहते हो, आप झुग्गी में रहते हो, आप
मिडिल क्लास कॉलर, आपके 10-15 पड़ोसियों का बिल ले लेंगे, उसकी एवरेज निकाल लेंगे। हम ये मान लेंगे भाई जितना पड़ोसी इस्तेमाल करता है उतना ही आप भी इस्तेमाल करते होगे, सही है कि नहीं है? तो जो आपके पड़ोसियों का एवरेज है उस पड़ोसियों के एवरेज को आपका एवरेज मान लेंगे। अब पड़ोसियों का एवरेज जो होगा, अगर वो पड़ोसियों का एवरेज 20,000 लीटर महीने से कम है तो उनका भी जीरो बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका भी 5-7 साल का सारा पानी का बिल जीरो हो जाएगा। इतनी बढ़िया स्कीम लेके आए, दिल्ली जल बोर्ड ने ये स्कीम पास कर दी। दिल्ली जल बोर्ड ने 13 जून 2023 को ये स्कीम पास कर दी। अब ये स्कीम कैबिनेट ने पास करनी है। बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी। बीजेपी वालों ने ये स्कीम एलजी को कह के रुकवा दी। अफसरों को धमकी दी गई है, अफसर रो रहे हैं। इतने सीनियर आईएएस अफसरों को मैंने आंसुओं से टप टप आंसू बहते नहीं देखा। इन्होंने बुलाया अपने कमरे में, सौरभ भारद्वाज ने, अतीश ने अफसरों को, भाई तुम क्यों नहीं ला रहे कैबिनेट में? कहते जी हमें धमकी दी गई है, अगर तुम ये स्कीम कैबिनेट में लेके आए तुमको सस्पेंड कर देंगे। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन जैसे जेल में है, तुम अफसरों को भी ईडी और सीबीआई के एक झूठे केस लगा के तुमको जेल में डाल देंगे। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या अफसरों को धमकाना सही है? अगर पूरी दिल्ली किसी चीज से दुखी है, उसका समाधान निकल रहा है, बीजेपी अगर जिम्मेदार पार्टी है उसको उसका साथ देना चाहिए। आज बीजेपी जितने अच्छे काम करते हैं सारे काम रोकने की कोशिश, उन्होंने धमका के अफसरों को रोक दिया, ये स्कीम कैबिनेट में नहीं ला रहे और इस स्कीम का जनता को फायदा नहीं हो रहा। दिल्ली को से बीजेपी वाले दिल्ली वालों से नफरत करते हैं, आप लोगों से नफरत करते हैं। क्यों? आप लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और एक बार 70 में से 3 सीट दी बीजेपी वालों को, एक बार 70 में से 8 सीट दी बीजेपी वालों को। अब ये इतने ज्यादा नाराज हैं, नफरत करते हैं बीजेपी वाले दिल्ली वालों से, बदला निकाल रहे हैं आप लोगों से कि दिल्ली वालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तो वो नफरत करते हैं दिल्ली वालों से, लेकिन केजरीवाल प्यार करता है आपसे। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं दिल्ली वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं मर जाऊंगा कट जाऊंगा लेकिन आप लोगों को दुखी नहीं देख सकता। मैं क्या था? मैं क्या था? मैं कुछ नहीं था। दिल्ली की गलियों में घूमा करता था यूं ही मैं, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर एक एनजीओ चलाया करता था परिवर्तन नाम की। क्या था मैं? मेरी क्या औकात थी? आप लोगों ने मेरे को इतना बड़ा बना दिया, इतनी ऊंची तरक्की दे दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। 7 जन्म में भी मैं आपका एहसान नहीं चुका सकता दिल्ली वालों, 7 जन्म में भी। तो ये बीजेपी वाले जो भी करेंगे, बीजेपी वाले जो भी आपके ऊपर अत्याचार करेंगे, चिंता मत करना, मैं दीवार बन के खड़े हो जाऊंगा बीजेपी वालों के सामने आपके ऊपर अत्याचार में। आज से कुछ साल पहले याद होगा आप लोगों को, एलजी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाने रोक दिए थे। इतने गंदे लोग हैं, हमने दिल्ली सरकार ने कई मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उस टाइम एमसीडी में बीजेपी का राज था, एमसीडी को कह के मोहल्ला क्लिनिक पे बुलडोजर चलवा दिया इन लोगों ने। बताओ, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक के ऊपर, बने बनाए क्लिनिक के ऊपर पेशेंट अपना इलाज करवा रहे हैं, अंदर दवाइयां पड़ी थी, डॉक्टर अंदर पड़े थे, लोगों का इलाज चल रहा था,
उसके ऊपर इन्होंने बीजेपी वालों ने बुलडोजर चलवा दिए मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर। लेकिन मैंने आपके मोहल्ला क्लिनिक रुकने नहीं दिए, रुकने दिए मैंने, इन्होंने 10 मोहल्ला क्लिनिक पे बुलडोजर चलवाए, मैंने 100 बनवा दिए। आज दिल्ली की गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बने पड़े हैं, दिल्ली के हर व्यक्ति को मोहल्ला क्लिनिक का इलाज मिल रहा है। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश करी, इन्होंने एलजी साहब ने सीसीटीवी की फाइल पास नहीं करके दी। 1 साल 2 साल 2.5 साल हो गए, फिर आपको याद होगा मैं गोपाल राय जी, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, हम चारों एलजी हाउस में घुस गए और उसके घर में 10 दिन तक घर के अंदर उसके धरना देके बैठ गए हम लोग। आपकी सीसीटीवी की फाइल पास करा के लाया कि नहीं लाया? 2 साल लेट कर दी इन्होंने। अगर हमारी पूरी सरकार होती, दिल्ली में एलजी नहीं होता, तो 10 दिन में जो काम हो जाना चाहिए था वो 2 साल लग गए। लेकिन काम सारे कराए मैंने आपके, काम रुकने नहीं दिया आपके केजरीवाल ने, कोई काम नहीं रुकने दिया। आज आपको जान के खुशी होगी, हमारा भारत देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में है, न्यूयॉर्क से भी ज्यादा, टोक्यो से भी ज्यादा, इंग्लैंड से भी, लंदन से भी सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, डेंसिटी वाइज पर स्क्वायर किलोमीटर जितने सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में है उतने किसी शहर में नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। इन्होंने आपके स्कूल रोकने की कोशिश करी, क्लासरूम, हमने शानदार क्लासरूम बनाए बच्चों के लिए। आज मेरे को ताज्जुब, एक क्लास में गया मैं, बहुत सारे बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। मैं एक क्लास में गया एक दिन, मैंने बच्चों से पूछा, हाँ भाई प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के कौन आया है? 6-7 बच्चे खड़े हो गए। मैंने एक बच्चे से पूछा, आप कौन से स्कूल में पढ़ा करते थे पहले? बोला सेंट कोलंबस में। सेंट कोलंबस जैसा जो देश दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल है, वहां से नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा, अगर मैं कहूं कि मैंने अच्छे स्कूल बना दिए, ये मानने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली की अमीर जनता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल, क्यों आज जो सुविधाएं हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं है आपके पास? सरकारी स्कूल में बच्चे जिस डेस्क पे बैठते हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे जिस बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, सरकारी स्कूल के अंदर जो सुविधाएं दी जा रही है, सरकारी स्कूल में शानदार ऑडिटोरियम है, वो सारी सुविधाएं आज प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। इन्होंने मनीष सिसोदिया पे केस कर दिया, कहते हैं सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं देने की क्या जरूरत है। मनीष सिसोदिया पे इन्होंने एफआईआर कर दी सीबीआई ने। आरोप ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने पैसे खाए, ये आरोप नहीं है। आरोप ये है कि सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा देने की क्या जरूरत है। अरे मैं ऐसे स्कूल बनाऊंगा दिल्ली के अंदर जिसकी दुनिया याद करेगी, पूरी दुनिया याद करेगी। इन्होंने दिल्ली के स्कूल रोकने की कोशिश करी, इतने घटिया लोग हैं ये लोग। दिल्ली के स्कूल, ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों को जो शिक्षा इनके बच्चों को मिलती है वैसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए गरीबों के बच्चों को। इन्होंने दिल्ली के अस्पताल रोकने की कोशिश करी। पिछले साल इन्होंने 3 महीने के लिए, ये तो मैं बता नहीं पाता आप लोगों को, रोज में जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूं, एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बारे, इसके लिए। कि किस तरह से बीजेपी वालों ने और दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के लोगों को दुखी करा, और किस तरह से दिल्ली वालों का बेटा करके दिल्ली के लोगों की सारी समस्याओं का समाधान केजरीवाल, इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पर मेरा नोबेल प्राइज तो आप लोगों, मेरा नोबेल प्राइज आप लोगों। कल जब मैं गोविंदपुरी में गली गली में घूम रहा था, घर घर में जा रहा था, लोग सब जगह एक ही कह रहे थे, जी भरोसा आप ही के ऊपर है, जी भरोसा आप ही के ऊपर है, आप ही ठीक कराओगे इनको। मैंने कहा मेरे ऊपर भरोसा रखना? बोले जी आप ही पे है, इन पे बीजेपी वालों पे नहीं है। ये आपका भरोसा मेरे लिए नोबेल प्राइज से बड़ा है, मेरे को नोबेल प्राइज नहीं चाहिए, आपका भरोसा चाहिए बस। इन्होंने भाई साहब पिछली साल इतनी गंदी राजनीति करी, इतनी गंदी राजनीति करी,
दिल्ली के जितने मोहल्ला क्लिनिक हैं, सारे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करा दी इन्होंने 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सारे मोहल्ला क्लिनिक, कई मोहल्ला क्लिनिक जो है वो किराए पे मकान लेके चल रहे हैं, किराया रोक दिया इन्होंने बीजेपी वालों ने, टेस्ट रोक दिए लेबोरेटरी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो बंद करा दिया इन्होंने। आप ये कहोगे केजरीवाल कैसे कह रहा है, सरकार तो हमारी है, सरकार हमारी है जी। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ऑर्डर करा था कि सारे अधिकारी चुने हुए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, इन्होंने संसद में कानून लाके कह दिया नहीं केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करेंगे, एलजी को रिपोर्ट करेंगे। अब ये जितने अधिकारी हैं वो हमारी नहीं सुनते, वो एलजी की सुनते हैं, एलजी बुला के कहता खबरदार जो केजरीवाल की बात मानी सारी दवाइयां बंद कर दो, सारे टेस्ट बंद कर, टेस्ट बंद कर दिए, दवाइयां बंद कर दी, किराया बंद कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली बंद कर दी इन लोगों ने। पाप चढ़ेगा इनको, पाप चढ़ेगा इनको, पाप चढ़ेगा इनको, पाप चढ़ेगा इनको, भूपर वाला देख रहा है, इनको अहंकार हो गया, रावण को भी अहंकार हो गया था कि वो खुदा है, बीजेपी खुदा नहीं है, बीजेपी भगवान नहीं है, भगवान देख रहा है। अंत पंत में हर कर्म, कर्म का फल तो मिलता है जी। हम लोग, मैं जानता हूं किस तरह से इनसे लड़ लड़ के मैंने दोबारा दवाइयां, आपको बताता नहीं हूं हर चीज में, टाइम नहीं मिल, सारी दवाइयां दोबारा चालू करा दी, सारी पेमेंट करा दी सबकी, सारे टेस्ट दोबारा चालू करा दिए, सारी मैंने जो किराया था बिजली का बिल था सारा दोबारा भर, और अब ये पानी के बिलों को लेके आ गए। तो दोस्तों पहली चीज, ये पानी के बिल भी ठीक करा के रहूंगा, आप चिंता मत करना, आपका बेटा जिंदा है। केजरीवाल बहुत प्यार करता है आप लोगों को, केजरीवाल आपका बेटा है, केजरीवाल बहुत प्यार करता है दिल्ली वालों आपको, आपके ये बिल भी ठीक करा के रहूंगा, जैसे आज तक दूसरे सारे काम कराए थे वैसे सारे काम कराऊंगा। एक बस आप लोगों से गुजारिश है, आई ऑल्सो लव यू, एक गुजारिश है, आपका साथ चाहिए, आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। इस बार देखो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, इस बार अगर सातों के सातों सांसद इंडिया गठबंधन के आ गए, भाई साहब ये एक सुरक्षा कवच बन जाएगा दिल्ली के चारों तरफ, फिर एलजी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि संसद के अंदर हमारी तूती बोलेगी, दिल्ली की आवाज उठेगी संसद के अंदर। अब ये जितने सातों सांसद आपने चुन रखे हैं, कभी दिल्ली की बात करते हैं, कभी एक बात इनमें से सातों में से एक आदमी ने दिल्ली की आवाज उठाई हो, कभी दिल्ली की बात नहीं करते। आप ये सातों सीट दे दो मेरे को, उसके बाद किसी एलजी की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों की तरफ आंख उठा के देख ले। आप ये सातों सीट दे दो मेरे को, लोकसभा चुनाव पूरे होने की 15 दिन के अंदर सारे बिल जीरो हो जाएंगे आप लोगों के। और ये जितने बिल हैं, कोई बिल भरने की जरूरत नहीं जो गलत आए हैं, आस पड़ोस में कोई बीजेपी वाला उसके घर से घंटी बजाना, बाहर निकलेगा उसके सामने बिल जला के उसके घर के सामने फेंकाना। भारत माता की, भारत माता की।